नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कोविड-19 ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। इस वायरस की वजह से दुनिया के कई देश लॉकडाउन है। कोविड-19 वायरस की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट हुई। पिछले दिनों तो अमेरिकी बाजार में इसकी प्राइस नेगेटिव में चली गई थी। यहाँ तक कि एक बैरल क्रूड ऑयल की कीमत 1 लीटर पानी से भी कम हो गया था। लेकिन कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट के बाद भी दिल्ली में पेट्रोल 71.26 रुपए लीटर और डीजल 69.39 रुपए लीटर मिल रहा है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट के बाद भी हमें पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों मिल रहा। भारत 85% कच्चा तेल आयात करता है। इंडिया में पेट्रोलियम पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन मांग के हिसाब से उत्पादन नहीं हो रहा। उत्पादन कम होने की वजह से करीब 85% कच्चा तेल आयात करना पड़ता है। ऐसे में कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से भारत में भी इसका असर पड़ता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा तो भारत में भी महंगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता तो भारत में भी सस्ता। लेकिन फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता होने के बाद भी भारत में पेट्रोल डीजल महंगा मिल रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस क्या है और इसमें क्या क्या शामिल है। सरकार कमा रही है मुनाफा। 2020 से पहले साल 2014 से 2016 के बीच कच्चे तेल के दाम तेजी से गिर रहे थे, लेकिन सरकार इसका फायदा लोगों को पहुंचाने के बजाय एक्साइज ड्यूटी प्लस रोड सेस के रूप में अपनी जेब भर रही थी। नवंबर 2014 से जनवरी 2016 के बीच केंद्र सरकार ने 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और केवल 1 बार राहत दी। ऐसा करके साल 2014-15 और साल 2018-19 के बीच केंद्र सरकार ने तेल पर टैक्स के जरिए 10 लाख करोड़ रुपए कमाए। तो राज्य सरकार भी पेट्रोल डीजल पर वैट लगाकर मालामाल हुए। साल 2014-15 में जहां वैट के रूप में 1.3 लाख करोड़ रुपए मिले, तो वहीं 2017-18 में ये बढ़कर 1.8 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसी तरह जब 2020 में भी कीमतें घटनी शुरू हुई तो केंद्र सरकार ने इस पर टैक्स बढ़ा दिया। 1 लीटर पेट्रोल पर कितना टैक्स। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 71.26 रुपए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सारा पैसा पेट्रोल कंपनियों को जाता है। इसमें आधे से ज्यादा पैसा केंद्र और राज्य सरकार के पास जाता था। देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल से मिली जानकारी के मुताबिक इस समय दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की बेस प्राइस 17.96 रुपए है। इसमें केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के रूप में 32.98 रुपए, ढुलाई खर्च 32 पैसे, डीलर कमीशन 3.56 पैसे और राज्य सरकार का वैट 16.44 रुपए होता है। राज्य सरकार का वैट डीलर कमीशन पर भी लगता है। कुल मिलाकर पेट्रोल की कीमत 71.26 रुपए हो जाती है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का टैक्स 49.42 रुपए है। डीजल पर भी टैक्स की मार। न सिर्फ पेट्रोल बल्कि डीजल पर भी सरकार खूब टैक्स वसूल रही है। दिल्ली में 1 लीटर डीजल का बेस प्राइस 18.49 रुपए है। इस पर प्रति लीटर ढुलाई खर्च 29 पैसे है। केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी 18.78 रुपए, डीलर कमीशन 2.52 रुपए और राज्य सरकार का वैट 16.26 रुपए पड़ता है। इस तरह से इसकी कीमत 69.39 रुपए हो जाती है। इस पर केंद्र और राज्य सरकार का प्रति लीटर टैक्स 48.09 रुपए है।